नापाक इरादे लेकर सत्ता के अंदर आए हैं। जब से ये सत्ता देश के अंदर आई है तब से देश के अंदर से बिगाड़ 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 पैदा हो रहा है। जो यहाँ पे खड़े हैं एनआरसी और सीए के विरोध में खड़े हैं, ये वास्तव में जो लड़ाई है ये बीजेपी ने हिंदू और मुस्लिम की करने की कोशिश की है। ये लड़ाई मैं आपको बता दूं हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई इस तिरंगे की है। सभी इस तिरंगे के नीचे बैठना चाहते हैं, इस तिरंगे के चारों रंगों की लड़ाई है। आज भारतीय जनता पार्टी इस तिरंगे के चारों रंगों में से एक रंग को मानने के लिए तैयार है, केसरिया कलर को, और ये हम होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। पिछले कई टाइम से ये सरकार जातियों पे जाति करती आ रही है, हम लोग चुप बैठे रहे, लेकिन जिस तरीके से आज ये जन सैलाब सड़कों पर आया है तो इस सरकार की नींदें उड़ गई हैं। अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा है करे तो वो क्या करे। ऐसा नहीं है कि ये लोग एनआरसी और सीए का बिल पास करने के बाद खुश हैं, ये भी आज दुखी हैं। इनको लग रहा है कि क्या राग छेड़ दिया हमने जो हमारे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जनता रोडों पर उतर आएगी, इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना भाईचारा सभी भाइयों में हो जाएगा। इनको तो लगा कि हिंदू मुस्लिम करने के बाद हम इस देश के अंदर सत्ता को हत्याते रहेंगे, लेकिन ये जो लड़ाई है आज सभी धर्मों की है, ये जो लड़ाई है ये देश की एकता की अखंडता की है। हम लोग एक मानते हैं अपने आप को और ये सरकार हमें अलग अलग करने की कोशिश कर रही है। ये मेरा भारत देश है, इस देश के अंदर मैंने पहले कई बार बताने की कोशिश करी है कि इस देश के अंदर हिंदू खाना अपने घर में खाता है, पानी मुसलमान के घर में पीता है, उसी तरीके से मुसलमान खाना अपने घर में खाता है, पानी हिंदू के घर में पीता है। और ये ऐसे भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, नापाक इरादे लेकर सत्ता के अंदर आए हैं। जब से ये सत्ता देश के अंदर आई है तब से देश के अंदर से बिगाड़ 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 पैदा हो रहा है। मैं आपको बता दूं एनआरसी और सीए को लेकर इनका मंसूबा क्या है। आने वाले चुनाव के अंदर 2024 के अंदर इनके पास कोई भी एजेंडा नहीं है जिसके आधार पर ये चुनाव लड़ें। ये जानते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा सुलझ गया है, अब ये हिंदू मुस्लिम एक हो गए हैं, लेकिन अब इन्होंने दोबारा से राग छेड़ दिया है एनआरसी का सीए का। और लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सीए है ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी है, तो मैं बता देना चाहता हूँ भाइयों बहनों, ये सीए मुस्लिम विरोधी नहीं है। कई गतिविधियां मुस्लिम विरोधी हिंदुस्तान के अंदर होती आ रही है जब से मोदी सरकार आई है, लेकिन ये जो सीए है ये संविधान के विरोध में है, ये सीए जो है ये देश की एकता के विरोध में है। इसीलिए सारे भाई बहन जितने यहाँ पे आके खड़े हैं ये देश की एकता को बचाने के लिए आए हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ये मिट्टी है इसे मिट्टी ना समझो, ये मिट्टी है इसे मिट्टी ना समझो, ये इश्क है मेरा, ये रिस्क है मेरा, ये निगेबान है मेरा, ये प्यारा हिंदुस्तान है मेरा। धन्यवाद।